नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। अलकायदा के ताजा वीडियो में मोदी को बताया इस्लाम का दुश्मन। इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। अलकायदा के ताजा जारी किए गए एक वीडियो में अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और मोदी को इस्लाम का दुश्मन बताया है। यह वीडियो अलकायदा की भारतीय विंग AQIS ने जारी किया है। AQIS का मुखिया आसिम उमर इस टैप में फ्रांस से बांग्लादेश तक का जिक्र करते हुए जहर उगल रहा है। वीडियो में अलकायदा ने धमकियां भी दी हैं। खुफिया एजेंसियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बुद्ध के मार्ग से ही मिल सकता है युद्ध से छुटकारा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को कहा कि विश्व का बड़ा भूभाग इन दिनों युद्ध से रक्त रंजित है और भगवान बुद्ध की करुणा की सीख ही दुनिया को जंग से मुक्ति दिला सकती है। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आनंद भरे पल में हम कुछ बोझिल भी महसूस कर रहे हैं। बोझिल इसलिए कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली हमारा प्यारा पड़ोसी नेपाल बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है। वहां के लोगों के संकट की यह यात्रा कितनी कठिन और लंबी होगी उसकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हम उनके आंसुओं को पोंछें, उन्हें एक नई शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए आज हम भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून कॉन्टेस्ट गोलीबारी में दो की मौत। विस्फोटक ले जाने के संदेह में टेक्सास में कार्टून प्रतिस्पर्धा स्थल के बाहर दो संदिग्धों को मार गिराया गया। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। FWAT अधिकारियों ने ABC टेलीविजन न्यूज को बताया कि दो संदिग्ध डलास के निकट गार्लैंड में कर्टिस कलवेल सेंटर पर गाड़ी से आए और गोलियां चलाने लगे, जहां मुक्त अभिव्यक्ति के नाम पर पैगंबर मोहम्मद कार्टूनों की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही थी। इस कार्यक्रम का आयोजन फ्रीडम डिफेंस इनिशिएटिव ने किया था। संस्था ने कार्टून प्रतियोगिता के विजेता को $10,000 देने की घोषणा की है। कथित अवैध संबंधों पर कुमार विश्वास को मिला नोटिस। दिल्ली महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर आप नेता कुमार विश्वास और उनकी पत्नी को तलब किया है। कार्यकर्ता ने यह दावा करते हुए आयोग का रुख किया था कि आप नेता के साथ उनके अवैध संबंधों की झूठी अफवाह के कारण उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आई है और विश्वास को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आना चाहिए। उनके कारण उसकी शादी टूटने की कगार पर है। कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुलिस आयुक्त को अलग अलग पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी दी थी। केजरीवाल ने उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।